बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता था, देख सकते हैं ये है पहले वाला बॉक्स और अभी का दिखा देता हूँ आपको, और ये है अभी, तो फ़र्क देख सकते हैं कैसा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो स्प्रे पेंट होता है इसे यूज कैसे करते हैं, ये जो है किस तरह से यूज करते हैं। वैसे मुझे याद आया आज पूरा कंप्लीट करने के बाद, ये है बॉक्स और इस बॉक्स को मैंने किया है स्प्रे पेंट किया है ये वाले स्प्रे यूज करके, देख सकते हैं फिनिशिंग लाजवाब। तो स्प्रे पेंट कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आखिर जो स्प्रे होता है इसे किस तरह से आपको स्प्रे करना चाहिए ताकि इस तरह की फिनिशिंग आए। देख सकते हैं एकदम नया लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको भी कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें बचा है पेंट। और इसको पेंट करने के बाद मुझे याद आया कि वीडियो बनाना चाहिए, आप सबको भी बताना चाहिए कि किस तरह से ये जो है पेंट होता है, पेंट का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हमारे पास थोड़ा सा पेंट बचा है, आपको करके दिखाते हैं। और हमेशा याद रखना है इसको यूज करते समय आपको इतना गैप कम से कम रखना है, 6 इंच का गैप रखना है स्प्रे यूज करते समय, 5 से 6 इंच का गैप रखें और ऐसे धुआं धुआं के जैसा मारें, एक जगह पे रोक के मत मारें, तब ये सही से काम करता है। तो जैसे कि ये देखो इस तरह से, ये देखो अब यहाँ पे बाकी है थोड़ा सा, तो यहाँ भी मार देते हैं, ये देखो तरह से धुआं धुआं करके मारेंगे तो अच्छा अच्छे से स्प्रे होगा, ये देखो। तो ये है इस साइड का थोड़ा सा बाकी है, देखो इसको भी मार देते हैं, देखो नज़दीक लेके गया तो बह गया पेंट, देखा, इसलिए नज़दीक इतना ऐसे नहीं लेके जाना आपको नहीं तो बहने लगेगा अपने को। ये देखो 6 इंच दूरी से मारना है, इस तरह से मारेंगे तो ये जो है बराबर स्प्रे होगा। और बोतल को थोड़ा सा इस तरह से सेक करना है, थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं, आप में से ढेर सारे लोग इसे यूज लेते होंगे, यूज सही से नहीं कर पाते होंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा बचा है भी मार देते हैं, ये देखो ये पुरानी पेटी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जो है जंग के निशान बहुत हैं, और मेरे पास एक ही बोतल था तो उससे ही मार दिया मैंने इसे जितना हुआ। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये स्प्रे पेंट जो मैंने किया इस पर। पहले बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई देता था, देख सकते हैं ये है पहले वाला बॉक्स और अभी का दिखा देता हूँ आपको, और ये है अभी, तो फ़र्क देख सकते हैं कैसा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है दूर से देखने में, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है बॉक्स अभी, एकदम नई वाली फीलिंग आ रही देख करके।